Hello everyone, welcome back to the session, and today we are here with doing a one shot video on the chapter money and credit. So ये आपका economics का chapter number 3 है of your economics, और this chapter, trust me, it's a very 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 important chapter from board exam point of view, because इस चैप्टर से बहुत साल हर साल ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड दैट टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, 3 मार्क्स 5-5 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं. सो आज के सेशन में हम ये चैप्टर को फटाफट से ख़त्म करेंगे. आई एक्सप्लेन यू प्रॉपरली. एनसीईआरटी आई हैव थॉट दैट कि पीपीटी को छोड़ो, हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी यू नो इट्स मोर एफिशिएंट, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम्स एनसीईआरटी से ही आएंगे. सो विद रिस्पेक्ट टू दैट, क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे. आई एम जस्ट गोइंग टू डू द एक्सप्लेनेशन सेशन विद यू. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग, एज यू नो द ड्रिल, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे. आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब यू सी, आज के दिन हमको कुछ भी चाहिए होते हैं, यू गिव मनी, यू टेक द थिंग, एनी थिंग, राइट? लाइक आई एम यूजिंग अ लैपटॉप नाउ. सो लैपटॉप मैंने कैसे खरीदा? आई गेव मनी, आई गॉट अ लैपटॉप, करेक्ट? सो वॉट वी सी इज वी हैव सेवरल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी एवरी सिंगल डे. हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ पैसे का लेन देन करते ही करते हैं. इसमें क्या होता है, गुड्स हम लोग खरीदते हैं और पैसे हम लोग यूज करते हैं, करेक्ट? बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? अब ये सोचो ना, ये भी तो एक अच्छा क्वेश्चन है कि मनी ही क्यों? मनी क्या है? मनी तो एक पेपर का टुकड़ा है, बस एक पेपर है. गोल्ड, सिल्वर, डायमंड थोड़ी ना, पेपर है. फिर क्यों हम उससे ट्रांजैक्शन करते हैं? नाउ एक अच्छी लाइन यह है, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट द पर्सन माइट वॉन्ट. कोई भी सर्विस, कोई भी गुड्स खरीदने हैं तो हमको पैसे लगते हैं. विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन टेक एनी कमोडिटी एक्सचेंज, क्योंकि आप दे रहे हो पैसे और चीज़ ले रहे हो, करें ना. लेट्स डू वन थिंग. एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक कार्टून का देखो. आई विल गिव योर शूज़ फॉर योर वीट, ठीक है? एक इंसान बोलता है जिसके पास शूज़ है, दूसरा बोलता है कि मुझे मेरे पास शूज़ नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए. फिर तीसरा बोलता है आई वॉन्ट शूज़ बट आई डोंट हैव वीट, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है? इन दिस लेट अस से कि एक इंसान के पास शूज़ है, इसके पास क्या है? शूज़ है, और इसको चाहिए वीट. इसके पास क्या है? इसके पास शूज़ नहीं है, पर इसके पास लेट अस से वीट है, करेक्ट? इसके पास वीट है, ऑलराइट? इसके पास वीट है. अब इसको क्या चाहिए? ये शू सेलर को वीट चाहिए, है ना? इस वाले को शूज चाहिए. इसको छोड़ो, आई विल टेल यू ना इजी, बिकॉज ये तीन तीन लोग तो कन्फ्यूजन होगा, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं? अगर ये इंसान अपना शू इस वीट वाले को दे दे, तो वीट वाला शूज ले लेगा, और शूज़ वाला और वीट, ये वीट वाला शूज़ वाले को वीट दे देगा, तो दोनों की चीज़ें पूरी हो गई विदाउट मनी, है ना? पैसे तो लगे नहीं, शूज़ वाले को चाहिए था वीट, तो वीट उसको मिल गया और उसने अपने शूज़ भी दे दिए, और इस वीट वाले को शूज़ चाहिए थे तो उसको मिल गए. दिस कंडीशन इज नोन एज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. मतलब इधर क्या होता है, बोथ द पार्टीज have to agree to sell and buy each other's commodity. मतलब जो जिसको चाहिए वो ही मिल रहा है. जैसे मुझे, लेट अस से मुझे एक पेंसिल चाहिए, ठीक है? मुझे पेंसिल चाहिए और मेरे पास बहुत बहुत सारी बुक्स हैं. आपको बुक्स चाहिए, पेंसिल बहुत सारी है, सो आई विल टेक योर पेन, आई विल गिव माई बुक, है ना? तो ये क्या होते हैं, एग्जैक्ट चीज़ें ज़रूरत है. बट डू यू थिंक हमारे पास एग्जैक्ट चीज़ें आज के टाइम में होगी? नो, वी कैन नॉट डू इट. सिमिलरली बार्टर सिस्टम होता था, है ना, एक्सचेंज करना, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स नेसेसरी है. अगर पैसे नहीं है तो डबल कोइंसिडेंस होना पड़ेगा. बट हम लोग एक ऐसे डायनामिक इकोनॉमी में रहते हैं वेर मनी इज वेरी क्रूशल. ये बन जाता है एक इंटरमीडिएट स्टेप, इंटरमीडिएटरी बनता है पैसा, मनी. अब मनी क्या करता है, इस डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट्स को एलिमिनेट करता है. कैसे? बिकॉज अब मुझे कोई जरूरत नहीं. अगर मुझे शूज चाहिए, मेरा वीट है ही नहीं, मैं क्या करूं? सो आई विल पे द मनी एंड टेक द शूज, नो प्रॉब्लम. मुझे वीट, रबड़, इरेजर लाने की कोई जरूरत नहीं है. सो मनी एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएटरी, ठीक है?
ऑलराइट, इम्पॉर्टेंट याद रखना, मनी एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएटरी, ठीक है? सो क्या होता है, मीडियम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट, एक्सचेंज करने में मनी एक इंटरमीडिएट, बीच का मिडल मैन बनता है, एंड हेंस इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? अब आजकल के जमाने में पैसे के क्या वैल्यूज है? सो एज यू नो, पिछले टाइम में बहुत पुराने पुराने समय में हमारे ऐसे डेंटेड वाले, वो होते टिंटेड वाले मेटेलिक कॉइन्स होते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के। एज द मटेरियल वेरीज द वैल्यू वेरीज, करेक्ट? अब आजकल के करेंसी में वी हैव टू टाइप्स, ओके? करेंसी में वी हैव पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है? राइट नाउ हमारे पास तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव गूगल पे, वी हैव फोन पे, सो मेनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल, बट ये बुक बहुत पुरानी है, सो हेंस इट्स नॉट है। सो हम लोग पेपर नोट्स और कॉइन यूज करते हैं, ठीक है? बट क्वेश्चन आता है कि क्यों यूज करें, है ना? अब देखो, मॉडर्न करेंसी की इंडिविजुअली कोई वैल्यू नहीं है, पेपर नोट क्या है, सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है, करेक्ट? अब आई विल टेयर अ पेपर बुक, ओके? ये देखो, ये एक मैंने नोट बनाया, 100 रुपीज 1000, तो ये 1000 का नोट बन गया, नो no. अभी हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्यों हम एक्सेप्ट करें? इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। कंट्री का जो गवर्नमेंट है, स्पेशली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, वो इन नोट्स को ऑथराइज करता है। अगर उनका ऑथराइजेशन नहीं हुआ तो वो नोट नोट नहीं, सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा बन जाएगा। बट सिंस दैट पेपर नोट इज ऑथराइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, हेंस वी से दैट वो हमारी करेंसी है, ठीक है? एज पर इंडियन लॉ, कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कोई करेंसी इशू नहीं कर सकता। इज अलाउड टू वेट, हाँ, नो अदर इंडिविजुअल इज अलाउड, कोई और आके नहीं बोल सकता, चलो भाई हम पेपर काट रहे हैं, इसके ऊपर लिख दो 5000, ये 5000 का नोट, नहीं। ओनली दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन डू दैट वर्क, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, लॉ लीगलाइजेज द रूपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट विच कैन नॉट बी रिफ्यूज इन इंडिया। अभी ऐसा नहीं, अगर आप जैसे लेट्स से यू आर गोइंग टू बाई बुक्स, और बुक्स वाला बोलता है कि नहीं मैं रूपी वूपी नहीं लूंगा, मुझे डॉलर दो, इट्स नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट डू दैट, इट्स टोटली डम। अगर वो बोले कि मुझे गोल्ड दे दो, 2000 का गोल्ड दो मुझे, यू कैन नॉट गिव इट। आप इंडिया में किधर भी ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए नोट मनी रुपी को यूज कर सकते हो। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपी, रुपी में पेमेंट हुआ, कोई मना नहीं कर सकता, हेंस इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब दूसरी फॉर्म ऑफ करेंसी आती है, दैट इज डेपोजिट्स विद बैंक। अब जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल ऑफ दिस, आई शो यू वन डायग्राम जो आपकी बुक में ही है, उस डायग्राम को पढ़ के यू विल ईजिली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है ये, है ना? आई जस्ट शो यू दैट, वेट, ये होता है एक चेक, है ना? तो वेन यू सी, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एक चेक नाम की चीज भी होती है। चेक मतलब हम लोग ये जिसको पैसे देने, हम उसको नाम वाम अमाउंट लिख के देंगे, हमारा साइन करेंगे, तो वो इंसान हमारे बैंक में जाके चेक देगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? वी वर ऑन डिपॉजिट्स, सो डिपॉजिट्स का लेट मी शो यू वन डायग्राम। उधर से ये 5-6 पेजेस का जो एक साथ हो रहा है ना, सब कुछ साथ में हो जाएगा, हाँ, परफेक्ट डायग्राम। अब देखो क्या हो रहा है, कुछ डिपॉजिटर्स हैं, डिपॉजिटर्स आर द पीपल जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके पास बहुत सारा पैसा है। अभी लेट अस से यू हैव 5 करोड़, आपके पास 5 करोड़ है, बट 5 करोड़ अपने घर पे आटो के डब्बों में तो छुपा के नहीं रख सकते, सो हेंस यू गिव इट टू द बैंक। आप बैंक में अपने पैसे डाल दोगे, ओके? क्यों डालोगे बैंक में? फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक क्या होता है, इट इज सेफ टू कीप इन अ बैंक। बैंक कोई भी उठ सुट के बैंक नहीं बन जाता, करेक्ट? इट्स लीगलाइज बाय गवर्नमेंट, तो सेफ है। दूसरा रीजन इज यू विल अर्न इंटरेस्ट, बिकॉज यू कैन से ना कि हाँ हम लोग तिजोरी में रख लेते हैं, वो भी बहुत सेफ है, पासवर्ड लगा देंगे, बट तिजोरी आपको इंटरेस्ट नहीं देगी। इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, मतलब लेट अस से आप बैंक को, आई विल टेक स्मॉल नंबर, स्मॉल फिगर लेंगे, लेट से आपने 1000 रुपया डाला बैंक में, ठीक है? अब बाय द एंड ऑफ एनम, एक साल के एंड में आपको
1100 मिल जाएगा। दैट मीन्स पीपल विल गेट इंटरेस्ट, जब वो विड्रॉल करेंगे पैसे निकालेंगे तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कितने का? 100 रुपए का? नहीं, इट डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक। कोई 1% देता है, कोई 4%, कोई 15%, समवेयर, नॉट 15, दैट्स टू मच, मतलब उस हिसाब से वो लोग करते हैं। यू नो वी डू नॉट नो एग्जैक्ट वैल्यू, वो हर बैंक के ऊपर होते हैं अलग अलग, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्यों बैंक वाले समाज सेवा कर रहे हैं, दे आर सोशल सर्विसर्स, दैट कि वो हमको उठ सुट के इंटरेस्ट देने लग गए, क्यों ना? वो लोग अपना नुकसान तो करेंगे नहीं। अब बैंक क्या करता है, वो पैसों की रोलिंग करता है। अब आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, बट लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है। अब जिनके पास पैसे नहीं है, वी कॉल देम एज द बोरोवर्स। बोरोवर्स आर पीपल हु डू नॉट हैव मनी, है ना, उनको पैसे की ज़रूरत है। सो वो लोग बैंक जाएंगे, बैंक जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे भाई हमको लोन दे दो। लेट अस से उनको चाहिए 2000 का लोन, ठीक है, 2000 का लोन चाहिए। बैंक बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं, ले लो 2000 का लोन। वाई? बट इन रिटर्न बोरोवर को, द पर्सन हु इज टेकिंग द 2000 हैज टू रीपे द लोन विद द इंटरेस्ट। मतलब बैंक चार्ज करेगा इनको, इट्स मोस्ट प्रोबेबली 15%, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, कैन चेक इन द डाटा अबाउ। तो 15% ऑफ 2000 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, लेट अस से अप्रॉक्सिमेट 2500 देना पड़ेगा वापस, ठीक है। अब देखो सारे ट्रांजैक्शन समझ आ रहे हैं। डिपॉजिटर ने 1000 रुपया डाला, एक साल बाद एक 1100 मिल गया, ठीक है। बोरोवर्स टुक 2000 और उनको 2500 पे करना पड़ा, क्या है, इंटरेस्ट है, है ना। यहाँ पे 100 रुपया इंटरेस्ट है, यहाँ पे 500 रुपया इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली बोरोवर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, बैंक डिपॉजिटर्स को कम इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अब मैथ्स लगाओ, मैथ्स लगाओ। यहाँ पे बैंक ने 2000 दिए, 2500 कितने, 500 का फ़ायदा हुआ, करेक्ट, 500 मिले उनको। बट अब इनको 100 रुपया इनको देना है वापस, माइनस करो 100, क्या बचा, 400। सो दिस 400 इज द इनकम ऑफ द बैंक, दिस इज द इनकम ऑफ द बैंक। बैंक भी तो चलाना है ना, तो इंटरेस्ट भी मिल गया, पैसे भी दे दिए, इंटरेस्ट भी डिपॉजिटर्स को भी दे दिया, और फिर भी वी हैव 400 रुपीज। ये तो छोटा छोटा नंबर, पीपल डोंट से 1000, 100 रुपया, 500 रुपया, नहीं, वी डील इन बिग बिग अमाउंट्स। तो दिस वॉज एन एग्जाम्पल टू टीच यू अबाउट द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। ऑल राइट, सुपर क्लियर है ना, सुपर क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, कॉन्सेप्ट आ जाओ, किधर गए कॉन्सेप्ट, ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। छोड़ लोन एक्टिविटीज भी डिड, राइट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, यू कैन पॉज इट एंड रीड इट, अगर आपको पढ़ना है तो, आई टेल यू इन शॉर्ट। अब क्या होता है, एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है, एक आदमी है सलीम जिसको 3000 शूज का वो मिला है, ऑर्डर मिला है, 3000 शूज का, पेन चल जा, ऑर्डर का वो मिला, व्हाट डू वी से, ऑर्डर मिला 3000 पेयर ऑफ शूज़ का। अब उनको टाइम पे करना है, अब इतना सारा एक जन तो कर नहीं पाएगा, सो ही हायर्स अ फ्यू वर्कर्स, वर्कर्स को पैसे देने। अब रॉ मटेरियल्स खरीदना, लेदर वेदर खरीदना, उन सब के लिए क्या करेंगे, वो जाते हैं लेदर सप्लायर के पास, वो सारा मटेरियल ले लेते और बोलते हैं कि आई विल पे यू लेटर, है ना, हम बाद मेरे ऑर्डर पूरा हो जाने दो, प्रॉफिट वॉफिट मिल जाने दो, एंड देन आई विल पे यू द मनी, है ना। अब वॉट हैपन्स नेक्स्ट इज, उसके बाद और पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है, जो पार्टी है उससे 3000 की जगह 1000 शूज़ का एडवांस पेमेंट ले लेता है कि मुझे एडवांस दे दो, मुझे ज़रूरत है, ठीक है। एडवांस पेमेंट ले लिया, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, एडवांस पेमेंट ले लिया, करेक्ट। सो एडवांस लेके द 1000 पेयर्स का शू ले लिया, तो सब बन गया, बाय द एंड ऑफ द मंथ उनको पैसे भी मिल गए। सो अब इससे क्या होता है, यू कैन से दैट दिस इज द नथिंग बट एक गुड प्रॉफिट बना लिया, उसने पैसे रीपे कर दिया, सब हो गया। सो दिस इज, आ चल गया, दिस इज पॉजिटिव क्रेडिट, कि आपने लोन लिया, सब किया, काम भी हो गया, सब बराबर हो गया, पॉजिटिव, है ना। अब एक और जन का देखते हैं, स्वप्ना का। स्वप्ना इज अ स्मॉल फार्मर, उसका कुछ ग्राउंड नट, खेती बाड़ी करती है वो,
अब क्या हुआ, अभी उसको कल्टीवेशन करना है, पेस्टिसाइड ये सब करना है, तो वो लोन लेती है मनी लेंडर से। अब उसकी खेती हो जाती है खराब, अब उसको क्या करना पड़ता है, एक नए इंसान से लेना पड़ता है लोन मनी लेंडर को देने के लिए, फिर उस नए इंसान से तीसरे इंसान को पकड़ना पड़ता है ना। फ्रेश लोन लिया, क्रॉप नॉर्मल हुआ बट अर्निंग्स आर नॉट इनफ। अब वो क्या हो गई है, शी इज इन अ डेट ट्रैप, मतलब वो पैसों के लोन में फंस चुकी है। अब उसको अपना आधा लैंड बेचना पड़ता है और कर्जा चुकाना पड़ता है। सो दिस इज अ नेगेटिव डेट, है ना, ये नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाते हैं। सो दैट्स व्हाट इज द टू एस्पेक्ट्स ऑफ क्रेडिट, नेगेटिव या पॉजिटिव। मतलब आप सब आराम से दे रहे हो, आपका काम भी हो गया, पैसे भी चुका दिया, सब कर दिया, ठीक है। सो क्रेडिट कैन पुश द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन वेयर रिकवरी इज वेरी पेनफुल। ओके नाउ ये सारा वही एक्सप्लेनेशन है। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अब बैंक किसी भी उठ सुट के इंसान को दे देगा पैसे, जिसके पास कोई जॉब नहीं है कुछ नहीं, ऐसे उठ के दे देगा, नहीं, बैंक्स आर वेरी स्मार्ट। नाउ इन ऑर्डर टू गेट अ लोन, द बैंक विल आस्क यू फ्यू थिंग्स। ओके द वेरी फर्स्ट थिंग इज अ कोलैटरल। कोलैटरल, व्हाट इज अ कोलैटरल, इज अ जगह है तो आई कैन राइट इट, चलो इधर लिखते हैं। आई टेल यू द वेरी फर्स्ट थिंग इज अ कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है, अरे भाई वापस बंद हो गया, हाँ कोलैटरल, ठीक है। सेकेंड वन डॉक्यूमेंटेशन, है ना, उसके तीसरा मोड ऑफ रीपेमेंट, है ना, ये तीन चीज़ें हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लोन। अब कोलैटरल, सबसे पहला कोलैटरल क्या होता है, कोलैटरल कुछ नहीं होता, इट इज एन एसेट विच यू हैव, दैट्स इट, इट्स एन एसेट। मतलब लेट्स से आपको लोन खरीदना है, और लोन वाले बोलेंगे अच्छा कितना चाहिए, आप लोगों जब 15 लाख चाहिए, अब 15 लाख ऐसे तो उठ सुट के नहीं देंगे वो, है ना, दे विल आस्क यू कि आपको कुछ चीज गिरवी रखनी होगी। यू माइट हैव हर्ड द वर्ड गिरवी। सो गिरवी रखने के लिए वी कीप एज अ कोलैटरल। कोलैटरल मतलब आपकी गाड़ी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, लाइफ स्टॉक, गाय भैंस बकरी, व्हीकल्स हो सकते हैं, आपका कोई प्लॉट लैंड है, घर है, उसको आप गिरवी रख सकते हैं एज अ कोलैटरल। क्यों रखें, नाउ सी, अगर आपने टाइम पे प्रॉपर अमाउंट द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट बराबर से दे दिया, ठीक है, तो आपको आपका कोलैटरल वापस मिल जाएगा। बट इन केस, अब बैंक को भी तो अपना काम संभालना है ना, अगर इन केस यू फेल टू रीपे द लोन, अगर आप लोन नहीं दे पाए, सो जो लेंडर है बैंक वाला कोई भी हो, उसके पास पूरा राइट है दैट ही और शी कैन सेल द एसेट और कोलैटरल। अब आपका 10 लाख का लोन था, ठीक है, और आपको वापस करने थे लेट्स से 10.5 लाख, और आपने वो 10.5 लाख दिए ना, भाग के चले गए, तो आपने लेटर से अपना एक गाड़ी रखी होगी, वन कार ऑफ 10 लाख, तो वो क्या करेगा बैंक वाला इसको जाके बेच देगा, बेचो गाड़ी और अपने 10.5 लाख निकालो। सो दैट इज योर कोलैटरल, ठीक है, दैट इज योर कोलैटरल, एक एग्जाम्पल दिया गया। ओके नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट आपका बैंक कितना इंटरेस्ट है, 8%, 4%, 15% जो भी है। देन कोलैटरल एज एक्सप्लेन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अभी आप बोलो कि मैं अंबानी हूँ, सो थोड़ी ना लेंगे, आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप क्या जॉब करते हो, किधर काम करते हो, आपकी सैलरी कितनी है, सो दैट यू कैन शो कि हाँ मैं ये जो पेमेंट आई कैन रीपे इट, है ना, मेरे पर भरोसा रखो, आई विल गिव द मनी। तो उसके आपको एक पूरी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। ओके सो दिस इज योर टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ओके नाउ हाफ ऑफ द चैप्टर आई गेस इट्स कंप्लीटेड, है ना, आधा से ज़्यादा चैप्टर हो गया ऑलमोस्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अरे भाई लैग मत हो। ऑल राइट सो लेट्स मूव अहेड। अरे कहाँ पहुँच गए हम, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, यू कैन रीड इट्स में कुछ क्वेश्चन एज सच आते नहीं बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। एक हाँ, एक ये पढ़ते हैं, वॉट आर कोऑपरेटिव्स। बैंक के अलावा अब देखो जो विलेज में लोग रहते हैं वो सब रहते हैं, राइट, द पीपल हु आर पुअर, उनके पास कोलैटरल कहाँ से आएगा, उनके पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आएंगे, तो वो ज़्यादातर बैंक में जाने से यू नो
दे हेजिटेट बिकॉज दे डू नॉट हैव सच थिंग्स अवेलेबल ना, कोलैटरल डॉक्यूमेंटेशन ये सब नहीं है उनके पास, तो वो क्या करेंगे. सो इन मैनी प्लेसेस द कोऑपरेटिव्स आर फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होते हैं मेम्बर्स, एस्पेशली प्रोड्यूसर्स जो कुछ भी प्रोडक्शन का काम करते हैं वो लोग एक एसोसिएशन बना लेते हैं और वो अपने पैसे डालते रहते हैं डालते रहते हैं डालते रहते हैं. और क्या होता है जब भी जिसको भी ज़रूरत होगा वो अपने पैसे ले सकता है. ठीक है, दे कैन टेक द मनी और उसके बाद वो विद इंटरेस्ट कैन रिटर्न बैक, है ना. कोऑपरेटिव इवन गेट अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक, मतलब हायर लेवल होता है. ठीक है, ऑल राइट. फॉर एग्जाम्पल दैट इज कृषक कोऑपरेटिव फॉर द फार्मर्स. ऑल राइट ऑलरेडी, बाकी सब एग्जाम्पल था, कोऑपरेटिव्स का एक इंपॉर्टेंट था, सो दैट आई एक्सप्लेन. अब आगे बढ़ते हैं, नाउ द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट. अब देखो दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट. इस ग्राफ से आपको क्या समझ आता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल मनी लेंडर से लेते हैं. ऑब्वियसली रूरल पीपल हैं जो गाँव में इधर उधर रहते हैं, तो क्या करते हुए आता वो ये मकान मालिक, लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर, अपने दोस्तों से इधर उधर से, इंस्टीट्यूशनल एजेंसी वहाँ यहाँ वहाँ से वो लोग पैसे जमा करते हैं. ठीक है, दैट इज इनफॉर्मल सोर्सेस. कोऑपरेटिव्स, सोसाइटी, बैंक, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज आर बाय द अर्बन पीपल इन जनरल, क्योंकि वो हमेशा यहाँ से प्रेफर करते हैं बिकॉज उनका कोलैटरल डॉक्यूमेंटेशन सब होते हैं. रूरल पीपल हैव द एब्सेंस ऑफ दीज थिंग्स. इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर से अपना लोन ले लेते हैं. नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ये फंक्शनिंग को सुपरवाइज करते हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर्स है द बैंक्स, है ना, ये लोग बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं. एज आई सेड जब हम लोग अपने पैसे देते हैं, डिपॉजिट्स देते हैं, तो क्या होता है वो डिपॉजिट का सारा पैसा वो लोग नहीं दे देते, दे कीप अ मिनिमम कैश बैलेंस, है ना, अगर कोई मांगने वाला है तो उसको दे सके. सो मिनिमम कैश बैलेंस वो रखते हैं, वो RBI चेक करते हैं कि ये कैश बैलेंस रखा है भी कि नहीं. RBI even sees that the bank are giving loans to not profit making businesses, but छोटे ट्रेडर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी पैसा दे वो. ओके, एंड बैंक्स जो होते हैं उनको RBI को एक रिपोर्ट देनी पड़ती है ऑन हाउ दे आर लेंडिंग, किसको दे रहे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या कोलैटरल है, ये सब कुछ. वेर एज इनफॉर्मल सेक्टर्स में, है ना, जैसे मनी लेंडर, रिलेटिव, लैंडलॉर्ड, इन सब में कोई RBI का रोल नहीं होता. RBI क्यों करेगी, आप अपने दोस्त से पैसे ले रहे हो तो RBI के चेक करेगी वो वापस दे रहे हो कि नहीं, नहीं करेगी ऑब्वियसली. अब देखो नेक्स्ट, प्यास लग गई. ओके ना लोको भैया, दिस शोज यू कि पुअर हाउसहोल्ड जो गरीब है वो कहाँ से मोस्टली पैसा लेते हैं. If you see your more angle is of informal sector, मतलब informal sector से ज़्यादा लेते हैं poor households. क्यों लेते हैं, because they do not have documentation, ये सब कुछ. अब households जिनके पास कुछ assets है वो 50-50 almost, है ना, हाँ assets है मतलब उनके पास collateral है कुछ देने के लिए तो कर सकते हैं. जो well off households होते हैं, इनके सब कुछ अच्छे खासे हैं, तो वो लोग 72% formally रखते हैं, और जो बहुत रिच है, वेल बींग है, वो लोग ऑलमोस्ट 90% रहते हैं. 10% हो गया दोस्तों से इधर उधर, वो सब अर्जेंसी में जब चाहिए, बैंक अर्जेंट आपको देगा नहीं. सो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर कंट्री. अभी कोई आपको बोले 2 लाख का लोन ले रहे हो, अगले वो बोले समझो 5 लाख वापस, 3 लाख का इंटरेस्ट, दैट्स टू मच, है ना. सो नो वन विल एबल टू अफोर्ड इट. सो एक अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल क्रेडिट होना चाहिए इन अ कंट्री, तभी ही इकॉनमी का डेवलपमेंट इज पॉसिबल. ऑल राइट सो एज आई सेड इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज दे अपने वो लेंडिंग बढ़ाए, वो रूरल जगहों पे भी पैसा दे, सो दैट डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज रिड्यूस और कम हो. सेकेंडली फॉर्मल सेक्टर द बैंक्स वो भी एक्सपैंड करे, जिन जिनको लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनको भी दे एट ईजियर, है ना, रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा ईजी अप कर दे. करेक्ट, ऑल राइट. ये देखो एक कार्टून है, ये अ वर्कर स्टिचिंग अ क्विल्ट, है ना, वो पूछते हैं कि डू यू थिंक अ बैंक विल गिव मी अ लोन, है ना. अब आता है बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट 5 मार्क्स का क्वेश्चन.
एज इट इज आता है स्ट्रेट आता है, द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs क्या रोल होता है इन द सोसाइटी। अब देखो वी नो कि बैंक लोन्स अगर जाते हैं तो हमको डॉक्यूमेंट्स कोलैटरल इन सब कुछ लगते हैं, बट कोई कोई लोग होते हैं इवन इन अर्बन एरियाज इनके पास ये कोलैटरल नहीं होता। दैट्स द मेन रीजन वाई द पुअर पीपल ऑल्सो डू नॉट टेक बैंक लोन्स, है ना। इनफॉर्मल लेंडर्स जो मनी लेंडर्स होते हैं, बोरोवर्स होते हैं, वो आपस में जानते एक दूसरे को। अभी आप दोस्त से ले रहे हो, आपको पता है ना मेरा दोस्त ही है वो, सो वो बिना कोलैटरल के पैसे दे। अभी आप दोस्त से पैसे मांगोगे तो वो क्या बोलेगा, नहीं पहले अपना कोलैटरल रखो, डॉक्यूमेंट्स देखो, यह सब तो नहीं होगा। तो इसलिए पीपल प्रेफर दे आर मनी लेंडर्स या इनफॉर्मल सेक्टर। अब एक कॉन्सेप्ट आता है अबाउट दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप विच मोस्टली फीमेल्स विमेन ऑल्सो फॉलो, बट ऐसा कुछ जेंडर बेस्ड नहीं है, इट्स इन जनरल, है ना। अब क्या होते हैं, इन द रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज कि हम क्या करें। सो वन ऑफ द आइडिया इज ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब ये क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के टिपिकली 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। वो एनुअली नहीं, मतलब पीरियोडिकली मिलते रहते हैं स्पेसिफिक टाइम, और हर मेंबर 25 से 100 या जितना भी है एज पर द ग्रुप, गवर्नमेंट का नहीं, हम लोग अपने खुद के लेवल पे करें, वो उतने उतने पैसे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर 5 पीपल, है ना, 5 पीपल है, हर कोई 100-100 रुपया डाल रहे हैं, तो मिल के क्या हो गया, 500 रुपया बन गया, तो उन्हें 500 रुपया सेव कर लिया। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर लेट से ये इंसान को, लेट से दिस इज राम, अब राम को पैसे चाहिए, 100 रुपया चाहिए, 200 रुपया चाहिए, तो वो 200 रुपया ले लेगा यहाँ से, है ना, और बाद में जब उसका काम हो जाएगा उसको पैसे मिल जाएंगे, वापस 200 रुपया रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स, है ना, ग्रुप इंटरेस्ट भी लगाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट बट बहुत कम होता है कंपेयर टू बैंक, इनसे इतना ज़्यादा नहीं, 200 दिए तो 220 250 वापस कर देना, दैट्स इट, नॉट मोर। आफ्टर अ ईयर और टू समटाइम्स दी सेल्फ हेल्प ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, अगर उनकी सेविंग्स हो रही है अच्छे से, सब चल रहा है, ऐसा नहीं आज हुआ कल चले गए, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर बैंक लोन एज अ ग्रुप, पूरे ग्रुप के नाम पे लोन सैंक्शन किया जाता है, ओके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, स्मॉल लोन्स प्रोवाइड किए मॉर्टेज लैंड के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, इन सब के लिए, करेक्ट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन सारे लोग लेते हैं, ऐसा नहीं कोई एक लीडर है वही रहेगा सब देगा, नहीं, एवरी वन इज इंक्लूडेड। इट इज़ ऑल्सो द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। रीपेमेंट के लिए बैंक में जाके नहीं बोलेंगे हम आपको पैसे नहीं मिल रहे, नहीं, आपस में वो लोग करते हैं, बिकॉज इट्स ना, अभी आप दोस्त से थोड़ी ना झूठ बोलना चाहोगे, है ना। सो दैट्स वॉट बाय वन मेंबर इट इज़ फॉलोड अप सीरियसली, अगर कोई वापस नहीं दे रहा सो इट वॉज सीरियसली टेकन, बिकॉज यू हैव टू टेक, अपने ग्रुप बनाया तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। All right. Because of this feature, banks are willing to lend to the poor women. Mostly, ये self-help groups women form करती हैं for their own empowerment. Okay? है ना? Timely loans, अलग-अलग purpose को शादी करने, कुछ करने, है ना? Health, nutrition, domestic violence, social, इन सब के ऊपर बातचीत होती है. Women and even unprivileged people become self-reliant. है ना? Self-independent बनते हैं. यू सी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन क्या गुजरात, वो लोग अपने पैसे आपस में डालते हैं एंड दे लिव हैप्पीली, है ना। दिस इज अ केस स्टडी अगेन। सो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर से, वी हैव लुक दैट द वॉट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, बैंक हमको पैसे देता है, वी गेट द इंटरेस्ट, बैंक बोरोवर्स को लोन देता है, दे टेक इंटरेस्ट, है ना। क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम अ वराइटी ऑफ सोर्सेज, फॉर्मल हो सकता है लाइक बैंक विच इज कंट्रोल्ड बाई द RBI, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं जैसे आपके दोस्त हो गए, मनी लेंडर्स, जमींदार, वो सब हो गए, है ना। रिचर हाउस होल्ड फॉर्मल सेक्टर्स यूज करते हैं, पुअर इनफॉर्मल बिकॉज उनके पास कोई कोलैटरल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, सो सेक्टर ऑफ क्रेडिट इज बैलेंस्ड। और पीपल इवन टेक लोन्स फ्रॉम SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड कोऑपरेटिव्स। एंड विद दिस वी कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ अ चैप्टर।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा. एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर सच वीडियोज NCERT से पढ़ना है कि हमारी PPT से पढ़ना है, यू कैन डू टेल मी दैट इन दी कॉमेंट सेक्शन एज वेल. आप कौन सा मेथड मोर प्रेफर करते हो, आई श्योरली डू दैट. सो आई एम गोना सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी, और मुझे ज़रूर बताना इफ़ यू वॉन्ट PPT और द टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन एज वेल. आई विल बी सीइंग यू सून. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.